आज मोदी सरकार का जो है शपथ ग्रहण है और इसी को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर देख रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तरफ से जो उनका जो कार्यकर्ता है वो काफी खुशी का माहौल है और देख रहे हैं एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जो कार्यकर्ता है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि आज जो है केंद्रीय प्रतिनिधि में जो कहीं ना कहीं उनको भी स्थान दिया गया है और एक दूसरे को मिठाई खिलाया जा रहा है जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। ये पटना का इनकम टैक्स का नज़ारा है जहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से जो है लगातार लोगों जो खुशी अफजाही जो है वो किया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो ये कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हम इन लोगों से। तो आप देख रहे हैं ये पटना का इनकम टैक्स चौराहे का तस्वीर है जहाँ पर जो आतिशबाजी की जा रही है और लगातार जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चे के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुशियाँ जो है अब जाहिर कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो मिठाई है वो बांटा जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। यहाँ मनोज जी हैं, उनसे क्या कहेंगे? आज ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें हमारे हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी जी को मंत्री बनाया गया है। इस खुशी में हम लोग के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल बलवेर जी द्वारा आज आतिशबाजी या खुशी मनाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है। इस खुशी में मीडिया के भाइयों को भी मैं मिठाई खिलाता हूँ। कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, बहुत सम्मान मिला है हम लोग को एनडीए गठबंधन में हमारे नेता को, एकदम बहुत लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आपने देखा और भी यहाँ कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। मिठाई खिलाया जा रहा है, सेवा करेंगे, मिठाई खिलाया जा रहा है, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है पूरे बिहार वासियों के लिए, देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ बिहार के गुदड़ी के लाल माननीय नीतीश कुमार जीतन राम मांझी जी शपथ लेने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी शपथ लेने जा रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल आपने देखा कार्यकर्ताओं में जो है काफ़ी खुशी है और कहीं ना कहीं हो भी क्यों ना, चूँकि आज जो है जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रतिमंडल में जो है जीतन राम मांझी को भी स्थान दिया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता जो है काफी खुश हैं और इनकम टैक्स पे जो है आतिशबाजी और खुशियां जाहिर कर रहे हैं। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।